मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर इंसान और एनिमेटेड कैरेक्टर साथ रहा करते थे। इसके साथ ही हम स्कूल देखते हैं जहाँ पर डेल नाम की एक चिपमंक का पहला डे था, पर उसका साइज इतना छोटा था कि कोई भी उसे दोस्ती नहीं कर रहा था, बल्कि हर कोई उसके छोटे साइज का मजाक उड़ा रहा था। इसके साथ ही डेल को अपनी तरह का एक छोटा सा चिपमंक मिलता है जिसका नाम चिप था, और ऐसे ही इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग स्कूल से लेकर कॉलेज यहाँ तक के ग्रेजुएट भी साथ करते हैं। इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा पक्की थी। ये दोनों बाद में जॉब भी साथ ही कर रहे थे कि एक दिन इन्हें ऑफर आती है एक शो में काम करने की जिसका नाम था चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स। इनके साथ इस शो में तीन लोग और भी थे जिनका नाम मॉन्टी, जिपर और गैजेट था। अब देखते ही देखते ये शो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि हर एक को ये लोग बहुत पसंद आने लगे थे। देखते ही देखते इतनी वायरल हो गया था कि हर कोई इनको दूर दूर से पहचानने लगा था। पर अब इसके साथ ही डेल को एक अलग प्रोजेक्ट में काम करने की ऑफर भी आती है। डेल इस ऑफर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। चिप उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे हम अलग हो जाएंगे और हमारा शो भी खराब हो जाएगा, तो तुम हमारे साथ ही काम करो, अकेले काम करने में मजा नहीं आएगा। पर डेल अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था, जिसके बाद उसे चिप की कोई बात समझ नहीं आती और वो उस शो को छोड़कर चला जाता है। अब उसके जाने के साथ ही इनका शो भी फ्लॉप हो जाता है और ऐसे ही ये शो बंद हो जाता है। काफी साल गुजर जाते हैं और डेल काफी फेमस हो जाता है। उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी जैसा वो चाह रहा था। उसने तो काफी को चेंज करने के लिए सर्जरीज भी कराई थी। दूसरी तरफ चिप ने एक सेल्समैन की जॉब करना शुरू कर दी थी। एक दिन चिप जब अपने घर वापस जाता है तो उसकी लैंडलाइन पर एक मैसेज आया हुआ था और वो मॉन्टी का था, जो कि चिप से ये कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशानी में हूँ, मेरी जान को खतरा है, तो तुम मेरे पास जल्दी आ जाओ। अब चिप ये सुनकर काफी परेशान होता है और फौरन मॉन्टी के घर जाता है, जहाँ पर मॉन्टी सच में बहुत ज्यादा परेशान था। वो चिप को बताता है कि स्टिंकी चीज लेने के लिए मैंने बहुत ज्यादा लोन ले लिया और अब मुझसे वो दिया नहीं जा रहा और मेरी जान खतरे में है। ये दोनों अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि दोबारा से डोरबेल बजती है। मॉन्टी जब डोर खोलता है तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डेल ही था, जो कि मॉन्टी के बुलाने पर ही यहाँ पर आया था। जैसे मॉन्टी ने चिप को सब कुछ बताया था, उसने ऐसे ही एक मैसेज डेल को भी भेजा था। अब मॉन्टी डेल को देखकर कुछ खास खुश नहीं था। ये दोनों इतने सालों के बाद मिल रहे थे, बस मॉन्टी को तो इनकी हेल्प चाहिए थी। इसके बाद डेल उसे तसल्ली देता है और बताता है कि हम कोई ना कोई सलूशन ढूंढ लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अचानक से एक दिन डेल को पता चलता है कि मॉन्टी किडनैप हो गया है, जिसके बाद वो फौरन ये बात चिप को भी बताता है। अब ये दोनों मॉन्टी के अपार्टमेंट पहुंचते हैं जहां पर ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी थी। वहां का इन्वेस्टिगेटर इन दोनों से पूछता है कि क्या मॉन्टी की किसी के साथ दुश्मनी थी, तो ये दोनों उसको कह देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। फिर यहां पर एक इन्वेस्टिगेटर आती है जो कि एक ऑफिसर थी। उनको ये दोनों बताते हैं कि शायद उसने किसी से लोन लिया था और वैसे ही उसी गैंग से इसकी कोई दुश्मनी हो सकती है। ये ऑफिसर जब गैंग के बारे में सुनती है तो बताती है कि मैं एक गैंग को जानती हूँ जिसके ओनर का नाम स्वीट पीट है, पर ये मुझे नहीं पता कि उनका गैंग कहाँ पर होता है। ये ऑफिसर इन दोनों को बताती है कि अगर तुम लोगों को इस गैंग का एड्रेस मिल गया तो तुम्हें वहाँ पर मॉन्टी भी मिल जाएगा, जिसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं कि किसी तरीके से अब मॉन्टी को ढूंढना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये लोग उसी शॉप में जाते हैं जहाँ से मॉन्टी स्टिंकी चीज लिया करता था। वहाँ के शॉपकीपर से जब ये दोनों उसी गैंग के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो खुद उस गैंग का एक मेंबर था, जो कि इन दोनों को किडनैप करके इसी गैंग की एक फैक्ट्री में ले जाता है। फैक्ट्री में लेकर जाने के बाद ये दोनों मिलते हैं स्वीट पीट से और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पीटर पैन है, जो कि खुद एक एनिमेटेड फेमस कैरेक्टर है। अब यहाँ पर वो बहुत डिफरेंट लग रहा था। अब स्वीट पीट इन दोनों को बताता है कि मैं एक बहुत फेमस कार्टून हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे ऑफर्स आना खत्म हो गई। मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर मुझे कोई काम भी नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इसका बिजनेस कोई और नहीं बल्कि ऐसा ही था, जहाँ पर ये एनिमेटेड कैरेक्टर्स को पकड़ कर चेंज करता था और जबरदस्ती उनसे काम करवाता था। इसके साथ ही पीटर पैन इन दोनों को भी कहता है कि अब मेरा प्लान तुम दोनों के लिए भी यही है, तुम दोनों को पकड़ के अब मैं चेंज करूंगा और तुम लोगों से भी काम करवाऊंगा, जिसके साथ वो अपने दो आदमियों को इन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर देता है। बहुत मुश्किलों से चिप और डेल यहाँ से भागते हैं और सुअर से होते हुए यहाँ फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। अब इनको पता था
कि इनको अब उस ऑफिसर के पास ही जाना चाहिए, जिसके बाद ये सारी स्टोरी उसे जाकर फौरन बताते हैं। जिप बताता है कि उसने पीटर पैन के पास एक ट्रैकर देखा था और अगर वो ट्रैकर इनको मिल गया तो इनको पता चल जाएगा कि बाकी सारे एनिमेटेड कार्टून कहाँ पर है। ये तीनों मिलकर अब इस ट्रैकर को चुराने का प्लान बनाते हैं। ऑफिसर चिप और डेल को बताती है कि पीटर पैन हर वेडनेसडे को एक बाथ हाउस में जाता है, जिसके बाद अब चिप और डेल उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग अपना गेटअप चेंज करते हैं और देखते हैं कि पीटर पैन भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच चुका है। ऑफिसर भी इन दोनों पर नजर रख रही थी। ये दोनों नोटिस करते हैं कि पीटर पैन ने एक ट्रैकर अपने लॉकर में रख दिया है। जैसे ही पीटर पैन बाथ लेने के लिए जाता है, ये दोनों फौरन उसके लॉकर के पास आते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग उस ट्रैकर को निकालते, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्नेक आ जाता है। इन दोनों को तो लगता है कि शायद अब ये लोग फंस जाएंगे, पर ये स्नेक इन दोनों को बताता है कि मैं तुम लोगों के शो का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ एक रैप करो। अब ये तो चिप और डेल के लिए आसान था। ये दोनों स्नेक के साथ एक रैप करते हैं, जिसके बाद वो स्नेक यहाँ से चला जाता है और ये दोनों बहुत आराम से वो ट्रैकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये लोग जब ऑफिसर के पास जाते हैं तो बहुत इजीली उस ट्रैकर को ओपन करके इनको पता चल जाता है कि वो लोकेशन कहाँ पर है, जहाँ पर सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स होंगे। अब ये सारी फोर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनको एक बहुत बड़ी सी मशीन नजर आती है। ये वही मशीन थी जो कि एनिमेटेड कैरेक्टर्स के ऊपर सर्जरी करके उन्हें चेंज कर दी थी। चिप और डेल बहुत गलती से इसको ऑन कर देते हैं और गलती से खुद ही इस मशीन में चले भी जाते हैं। इस मशीन से बहुत डिफरेंट किस्म की लेजर्स निकलने लगती हैं, पर ये दोनों बहुत मुश्किलों से उससे बच जाते हैं, जिसके बाद इनके सामने एक रूम आता है। वहाँ पर बहुत सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स के डिफरेंट पार्ट्स थे और उन सब में मोंटी की मूंछ भी थी। यहाँ से उदास होकर जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि पीटर पैन दूर से इन सबको देख रहा था। इसके बाद ये लोग ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के सारे ऑफिसर्स थे। यहाँ पर इनको मोंटी की खुशबू आती है, जैसे लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई पीटर पैन से जरूर मिला होगा। इसके बाद इन दोनों को समझ आ जाता है कि अब मदद FBI से लेनी पड़ेगी। इस काम के लिए ये दोनों अगली सौन्य के पास आते हैं, क्योंकि उसके बहुत अच्छे कनेक्शंस थे FBI के साथ, बट वो इनकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। यहाँ पर ही पीटर पैन अपने दो लोगों के साथ पहुँच जाता है और इन दोनों को पकड़ने के लिए इनके पीछे भागने लगता है। चिप और डेल बहुत मुश्किलों से बच रहे थे। यहाँ पर इनके और भी बहुत सारे फैंस थे जो कि मदद करते हैं ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। बट इस सब में डेल तो किसी तरीके से बच जाता है, पर चिप पकड़ा जाता है। पीटर पैन का अभी यही प्लान था कि चिप को सर्जरी के थ्रू चेंज कर दे, पर इससे पहले कि वो मशीन स्टार्ट करता, यहाँ पर वो ऑफिसर पहुंच जाती है और इस सब को बंद करने को कहती है। इसके साथ ही उसके ऑफिस का एक और एजेंट पीछे से आता है, जो कि पता चलता है कि पीटर पैन के साथ मिला हुआ था, और ये सब लोग मिलकर इस ऑफिसर को भी बांध देते हैं, जिसके बाद ये इसे कहते हैं कि डेल को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि पीटर पैन उसे भी सर्जरी के थ्रू चेंज करना चाहता था। ये ऑफिसर डेल को कॉल करती है और उससे बात करती है, पर यहाँ पर वो एक बहुत ही चालाकी से हिडन मैसेज डेल को पहुँचा देती है, ताकि उसे पता चल जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। डेल को समझ आ जाती है कि अब वो अकेले इसको डील नहीं कर सकता, जिसके बाद वो जिपर और गैजेट को अपने साथ मिलाता है और ये लोग एक हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पर पहुँचने वाले थे। अब दूसरी तरफ पीटर पैन चिप को उसी मशीन में डाल देता है, क्योंकि वो उसे चेंज करने वाला था। पर इससे पहले कि वो चिप को सर्जरी के थ्रू चेंज करता, यहाँ पर डेल एक रॉकेट के थ्रू अंदर पहुँच जाता है। डेल का रॉकेट डायरेक्ट इस मशीन को लगता है, जिसकी वजह से मशीन खराब हो जाती है और ऐसे चिप तो बच जाता है, पर नेक्स्ट इस मशीन का टारगेट पीटर पैन ही बनता है और अजीब सी खराब होने की वजह से वो पीटर पैन को एक बहुत ही मिक्स्ड एनिमेटेड कार्टून में चेंज कर देती है, जिसके बाद वो तो हाथ धोकर चिप और डेल के पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर खुद को बहुत मुश्किलों से फ्री करती है, बट वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी उसके पीछे था और इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये ऑफिसर बहुत मुश्किलों से एक फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके उसको फ्रीज करती है, जिसके बाद ये एनिमेटेड इन्वेस्टिगेटर नीचे गिरता है और इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ वो अजीब सा क्रिएचर चिप और डेल को फिर भी फॉलो कर रहा था। ये दोनों बड़ी मुश्किलों से एक ट्रैप में उसे फंसा देते हैं और इतनी देर में अगली सोनिक FBI को लेकर यहाँ पर पहुंच जाती है। इससे पहले कि FBI पीटर पैन को पकड़ते, वो अपनी गन चला देता है और यहाँ पर चिप को बचाने के लिए डेल सामने आ जाता है, पर यहाँ पर उसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी भी शो का एक कॉइन था जो कि उसकी जान को बचा लेता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर अचानक से इनको
मॉन्टी के परफ्यूम की खुशबू आती है, जिससे इनको समझ आ जाती है कि मॉन्टी कहीं पास ही होगा। और इस स्मेल को फॉलो करते करते ये लोग एक बड़े से कंटेनर के पास पहुंचते हैं। कंटेनर खोलने पर पता चलता है कि इसमें वो सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं जिनको पीटर पैन ने पकड़ लिया था। सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स खुशी खुशी बाहर निकलते हैं और एंड में मॉन्टी भी बाहर आता है, पर वो काफी चेंज हो गया था, सर्जरी ने उस पर काम कर दिया था। पर डेल उसे बताता है कि तुम ऐसे भी ठीक हो, मेरा एक दोस्त है तुम्हें ठीक कर देगा। यहाँ पर जिपर और गैजेट भी पहुँच जाते हैं। इसके साथ ही ये रेस्क्यू टीम दोबारा से यूनाइट हो जाती है और मूवी एंड हो जाती है।